Hello, a very good morning to all the parents and my dear student. Hope you all are well and safe at your home. My name is Anju Rai and I'm class teacher of first standard. Today's subject is English and the topic is sound. Before we talk about the sound, first of all, we will know what is alphabet. Okay, so let's begin. If I explain it in English, then maybe you will not understand. So we will take help of Hindi to clear this concept. Okay, so my dear student, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट लिखा है. क्या लिखा है? अल्फ़ाबेट. और अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला या फिर अक्षरमाला. राइट, अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला या फिर अक्षरमाला बोलते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वर्णमाला हम किसे कहते हैं और वर्णमाला कितनी होती है. तो वर्णमाला, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वर्णमाला, तो वर्ण और माला, तो वर्ण क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वर्ण क्या होता है. जिस वर्ण एक हिंदी शब्द है वर्ण, तो मैं हिंदी में ही आपको इसे बताऊंगी. जैसे कि आप क से ज्ञ तक पढ़ते हैं वर्णमाला, तो उसमें जो क क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है, ये सारे क्या हैं? ये सारे वर्ण हैं. तो इन जो वर्णों का एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप जो समूह होता है, इन सारे वर्णों को मिला के जो एक माला बनती है उसे हम वर्णमाला बोलते हैं. ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं. और बाकी जो 21 होते हैं, जो बच जाते हैं 21 लेटर्स, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं और हिंदी में उसे हम व्यंजन बोलते हैं. ओके, तो ये जो ए से लेकर जेड तक ये 26 लेटर का जो एक ग्रुप है, इस ग्रुप की जो एक माला बनती है, एज़ यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है. इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, गार्लैंड, फूलों का हार है. तो जस्ट आप इमेजिन करिए कि ये फूलों का हार नहीं है, ये 26 लेटर्स हैं जिनका मैंने एक हार बना के यहाँ पे रखा है. राइट, तो 26 लेटर्स का एक माला बनती है. ठीक है, 26 लेटर्स को मैंने एक थ्रेड में पिरो के रखा है, तो माला कितनी बनी? एक ना. तो जब माला एक है तो वर्णमाला, आप शब्दों पे गौर करिएगा, वर्णमाला, मैंने क्या बोला? वर्णमाला यानी वर्णों की माला. तो इसमें वर्ण यानी लेटर कितने हैं? 26 लेटर्स को लेकर हमने एक माला बनाई. माला कितनी बनी? एक ही ना. तो वर्णमाला कितनी हुई? एक. तो जब भी आपसे कोई पूछे, हालांकि हिंदी में तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन इंग्लिश में अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, और हमारा आंसर हमेशा 26 होता है. 26 लेटर्स होते हैं, वर्णमाला नहीं. वर्णमाला हमेशा एक होती है. लैंग्वेज चाहे जो भी हो, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मलयाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में वर्णमाला एक ही होती है. उसमें लेटर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वर्णमाला हमेशा एक होती है. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला कितनी होती है. तो वर्णमाला एक होती है, और वर्णमाला ये जो ए टू जेड लेटर्स का जो एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम, उस एक वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं. ओके, तो आइए अब हम साउंड भी देख लेते हैं कि कौन सा लेटर कैसा साउंड करता है. चूँकि टॉपिक साउंड का ही है, तो साउंड जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप साउंड नहीं जानेंगे कि कौन सा लेटर कैसा साउंड करता है, तब तक आपको रीडिंग करनी नहीं आएगी. तो ये बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप ये जानें कि कौन सा लेटर कैसा साउंड करता है. ओके, तो आइए हम देखते हैं साउंड. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए अ का साउंड करता है, आ का साउंड करता है, और ए का भी साउंड करता है. वो कैसे?
वो मैं आपको अभी आगे विथ एग्जाम्पल समझाऊंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा लेटर कैसा साउंड करता है। जैसे कि बी ब का साउंड करता है, सी स और क दोनों का साउंड करता है, डी ड और द दो अक्षर का साउंड करता है, ई ए ई और ए दोनों का साउंड करता है, एफ फ का साउंड करता है, जी ग और ज का साउंड करता है, एच ह का साउंड करता है, आई आई का तो साउंड करता है और आई का भी साउंड करता है, जे ज का साउंड करता है, के क का साउंड करता है, एल ल का साउंड करता है, एम म का साउंड करता है, एन न का साउंड करता है, ओ का साउंड करता है, औ का साउंड करता है और अ का भी साउंड करता है, पी प का साउंड करता है, क्यू क का साउंड करता है, आर र का साउंड करता है, एस स का साउंड करता है, टी ट और त दोनों का साउंड करता है, यू ऊ य अ ये तीन तरीके का साउंड करता है, वी और डब्लू ये दोनों ही व का साउंड करते हैं, ओके। एक्स ए ज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैं सिर्फ ज की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ज के नीचे एक छोटा सा बिंदु लगाया है, तो हम इसे ज नहीं पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, ज और आधा क और श का भी ये साउंड करता है, वाई य और ई का साउंड करता है, जेड ज का साउंड करता है, ज का साउंड करता है। अब हम इसे विथ एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि ए जो है वो अ आ और ए का साउंड करता है, कैसे आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे ए का साउंड जो आपको बताया उसके हिसाब से कुछ स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे ए अ आ और ए का साउंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अलर्ट, क्या लिखा है अलर्ट, अ का साउंड आया अलर्ट, आर्ट आ का साउंड आया, नेम ए का साउंड आया। अब बी का देखते हैं, बॉल बिल ब का साउंड आया। अब सी का देखते हैं, सी स और क दोनों का साउंड करता है, तो सेल स का साउंड कर रहा है, कैट क का साउंड कर रहा है। अब डी का देखिए, डी ड और द दोनों का साउंड करता है, जैसे डी फॉर डॉग ड का साउंड आ रहा है। जब हम द जैसा कि मैंने आपको बताया कि डी द का भी साउंड करता है, तो जब हम किसी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखते हैं तब डी द का साउंड करता है, जैसे दिल दिल्ली देहरादून इटीसी। ई जो है ई और ए दोनों का साउंड करता है, जैसे इंग्लिश इंग्लिश ई का साउंड आया, एंट्री ए का साउंड आया। अब एफ से देखते हैं, एफ जो है फ का साउंड करता है, जैसे फिल आफ्टर, जी जी जो है वो ग और ज दोनों का साउंड करता है, तो जी फॉर गुड ग का साउंड आया, मैजिक मैजिक ज ज का साउंड आया ना। अब एच जो है वो ह का साउंड करता है, तो एच एच फॉर होटल ह का साउंड आया, आई हाइड हाइड मैंने आपको बताया था कि आई किसका साउंड करता है, आई और आई दोनों का साउंड करता है, तो हाइट हाई आई आया ना हाइड हाई आई आई का साउंड आ रहा है। अब जे का देखते हैं, जे ज्वाइन जे ज्वाइन और अजार अजार मीन्स होता है अधखुला आधा खुला, ठीक है। के से क का साउंड आता है, तो काइट मेक दोनों में क का साउंड आ रहा है। फिर एल ल का साउंड करता है, लव एम एम म का साउंड करता है, मदर एन न का साउंड करता है, नवंबर आंट ओ ओनली ओ का साउंड आया, मोर ओ का साउंड आया,
ऑन औ औ का साउंड आया ना, शन अ का साउंड आया, पी पी जो है प का साउंड करता है पेन अप्रैल, क्यू जो है वो क का साउंड करता है क्वीन और इक्वल, क का साउंड आया ना। अब हम यहाँ पे आर का देखते हैं, रेज र का साउंड, मैरिज र का साउंड, एस का देखते हैं, एस जो है स का साउंड करता है जैसे सेट स का साउंड आया, सिंपल स का साउंड आया, टी का साउंड जैसा कि मैंने आपको बोला था टी ट और त दोनों का साउंड करता है, तो टी फॉर टॉल ट का साउंड आया, ईट ट का साउंड आया। अब जैसे कि मैंने आपको डी में बताया था कि डी द का साउंड कब करता है, जब हम किसी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से टी में भी टी त का साउंड कब करता है, जब किसी हम हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखते हैं जैसे तलवार त्रिशूल, तो वहाँ पे टी जो है त का साउंड करता है। अब यू का देखते हैं, यू ऊ य और अ तीनों का साउंड करता है जैसे सैल्यूट यूट यू आया ना, पुल ऊ आया ना, रन आया ना, वी वेरीफाई व का साउंड करता है, वेंचर वेंचर, डब्लू डब्लू भी व का साउंड करता है तो विंडो वॉट दोनों में व का साउंड आ रहा है, एक्स एक्स का जैसे मैंने बताया था कि ए ज और आधा क और श का साउंड आता है जैसे एक्स रे ए का साउंड आया, फिर बॉक्स आधा क और श का साउंड आया ना बॉक्स, जेरोक्स जेरोक्स में ज का साउंड आ रहा है ज का नहीं ज जेरोक्स, टैक्स ओके वाई य और ई का साउंड करता है जैसे यल मिस्टिक, एवरी जेड ज का साउंड करता है जैसे जू जिप ओके। अब हिंदी के वर्ण को अक्षर को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं अब वो भी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, मैं इसे इसको आपको लर्न करना है कि हम हिंदी के स्वर और व्यंजन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, अगर आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे तो आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों में ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम हिंदी के वर्ण को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं तो आपको सपोज अपना नाम या किसी और का नाम लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये स्वर है, स्वर हमेशा जो है मात्रा के उपयोग में लाया जाता है जो कि व्यंजन के साथ उसका यूज़ होता है, उसी तरीके से इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट और वॉवल, तो वॉवल को हिंदी में हम स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन ओके। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि हिंदी के वर्ण को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो ये अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और जो मैंने अभी बताया है उन चीज़ों को बार बार रिपीट करके अपने दिमाग में रखेंगे तो रीडिंग और राइटिंग दोनों ही आपके लिए इजी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, अगर एक बार में ये चीज़ ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार या तीन बार रिपीट करके देखें और जो भी मैंने लर्न करने के लिए दिया है उसे लर्न करें, ये आपका होमवर्क है ओके। थैंक यू।